स्टैंड पे ये आवाज किस चीज की आ रही? किस 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 क्या था भाव? मुझे तू चल भाई, हम यहाँ से भाई कुछ गया हुआ। अरे ये क्या करना अंकित? बाय 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 कर। ओबे अंकित तो हाय, मेरा नाम ओम और आज हम अंकित का आ रहे हैं भाई। हम आ रहे हैं सिरसा भाई। सिरसा भाई के ना मम्मा की बेटी की शादी थी और हमने अभी तैयारी, मतलब ये लगा लो कि हम भाग भाग के आ गए रात को यहाँ वीडियो बनाने, और अभी घर जाके ना हमें बहुत सारा काम करना। तो यहाँ का अंकित स्टोरी क्या, मतलब क्या बता भाई? पीछे देखो ना, पीछे पूरा ना खेत खेत भाई है। यहाँ अंधेरे के अलावा ना लाइट ना कुछ कुछ भी नहीं है। ये तो एक लाइट सी दिख गई हमें, एक लाइट है रोड से खाद की। कहीं हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ भाई मैंने अपने मम्मा से सुनी है कि यहाँ रात को मतलब भूतों की बरात, भूत मतलब अजीब सी आवाज आवाज। और किन खेतों के? इन खेतों में ना, खेतों में भाई। यहाँ थोड़ा अंदर जाके रास्ता सा है, अभी तो रात हो रही है, रात सी हो रही है। हमें खुद डर लग रहा है बातें सुन के अपने मामा से। पता है मामा जो आने का टाइम था ना, तो हमने कह दिया कि हम वहाँ जा रहे हैं, तो कह रहे यहाँ काम करवा लो, तुम वहाँ जा रहे हो। मैं कहा 2 मिनट में आ रहे हैं बस एक बार। तो हमें वीडियो ना ज्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि इसका जो अगला पार्ट आएगा ना, पीछे ना बाघ सा है ना, जो मामा बाघ सा पीछे बाघ बाघ सा है, वो थोड़ा सा दूर जाके मेन वही है भाई, वही ज्यादा आवाज वो जाती है। कई बार मैं अपने मामा के साथ भी, मामा बताते हैं रात रूत को मत आइयो, थोड़ी बस भाई ने जिद कर दी इसलिए आगे, नहीं तो मेरे तो आने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो भाई हमें ना वहां तक जाना सीन है, उस बाग तक तो जाने के लिए ना हमें एक बार दिन में आना पड़ेगा, है ना? दिन में आके हम देख लेंगे यहाँ की वहां पे कैसे जाना है। बाकी हम रात में आए तो थोड़ा सा ना खेतों तक चलते हैं जहाँ पे वो आवाज सी आती है, ठीक है अंकित? वहाँ चलते हैं और देखते हैं, कुछ दिखता है तो आपको दिखाते हैं। बाकी डर तो यार वैसे क्यों डरा तो फालतू में मेरी आवाज बोल हो रही है, ये डरता नहीं है, दिखा रहा है कि मैं डर रहा हूँ। और ना आके देखो भाई, ना नींद सी आ रही काफी, क्योंकि ना काम कर करके ना थक गया बहुत ज्यादा। एक मामा ने तो वैसी वाट लगा दी, ये करो वो करो ये करो वो करो। कभी ना अगर बहन की शादी हो ना तो उसमें मत जाना, भाई के साथ ही चले जाओ, कुछ काम नहीं होता। बहन के साथ ही ना इतना काम होता है, पूछो मत। अब जा रहे हैं, ये पूरा दिखाते हैं आपको खेत और फिर आगे मिलते हैं। तो अब आगे हम थोड़ा सा इस खेतों के अंदर से, और ये जो देखो दूर दूर वो दिख रहा है हमारा अंकित, वो मामा का गाँव कितना है भाई? मामा का गाँव यहाँ से तो मुझे ही नहीं, वो देखो भाई वो रोगेट फोगेट से फूट रहे हैं, वो शादी वादी हो रही है। और हमारी तो कल है बहन की शादी, तो कल वीडियो नहीं आएगी, हमारी वीडियो आएगी परसों, क्योंकि कल तो हम काफी बिजी रहने वाले हैं। और ये है खेत सा, और बाग के वो जो बाग सा काफी दूर है क्या भाई? बहुत दूर, बहुत दूर है वो बाग। तो वहाँ जा तो हम यार रास्ते ना खेत खेत से है, तो ज्यादा अंदर तक तो नहीं जाएंगे, है ना? देखो दूर दूर तक आपको ना कुछ नहीं दिख रहा, जहाँ वो लाइटें दिख रही है ना उतनी दूर है गाँव। तो अब हमें यहाँ का इतना, तेरे को भी नहीं पता क्या यहाँ का इतना? भाई मुझे भी नहीं पता, मैं आता ही नहीं भाई, ये भी बहुत कम आता है, पता नहीं बात। तो ये नहीं आता है, और हम आए हुए हैं, और शायद उस कुटिया में कोई बैठा है क्या? नहीं कोई नहीं बैठा। तो अंकित देखते हैं, थोड़ा सा चलते हैं जितना अंदर चला जाएगा हमसे। बाकी इन खेतों में ना जो कहते हैं ना, इन खेतों में से रातों को अजीब अजीब सी आवाज आती है ना, इसी खेतों में से आती है ना ये खेतों में। और वो बाघ, वो तेरी दो बाघ भाई उधर है, वो देखो वो देखो वो दिख रहा है स्कैनर में, दिख रहा वो बाघ वहां पे। बट इन खेतों के बीच में से जाना यार मुझे लगता है कि कहीं पेड़ पूड़ ना टूट जाए। और वो दिख रहा है इस वीडियो में कि वो पास है, बट काफी दूर वो दिख रहा है, मेरे को लाइट पकड़ने की मैं दिखाता हूँ। जाना सुबह ही थोड़ा ठीक रहेगा। वो दिख रहा है आपको, वो वहाँ पे वो है, वो बाघ सा जो मेन यहाँ का हॉन्टेड है, कि कहते हैं कि उन बाघों में मतलब कि भूतों की बरात सी निकलती है, सरकटे दिखते हैं। तो भाई ये आ गए हम हरियाणा में, और ये आवाज किस चीज की आ रही? किस 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 अच्छा ऊपर करंट की तार आ रही है इसमें से? इसकी आवाज आ रही है क्या? हाँ करंट में से आवाज आती है तारों में, सही में? अबे तो कितनी तेज करंट बह रही हूँ देख रहा तू? तो यहाँ खड़ा होना सेफ नहीं है क्या भाई? देख लो ऊपर तार ही तार है अपने यार। फिर आजा इधर आजा। अब ये जगह आ गया अंकित, तो गांव का नाम क्या था? गांव का नाम भूल गया। गांव का नाम सिरसा भाई, सिरसा गांव, ये हरियाणा में पड़ता है। तो भाई इतना डर भी दिखा रहा है, डर के कि डर रहा है, पता है ये डर के इसलिए दिखा रहा है ताकि मैं जल्दी घर चला जाऊं। क्योंकि इसको आज तगड़ी वाली नींद, बका भाई चल ले वीडियो बना ले, आज छोटी बना ले, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना उसमें हम जाके दिखाएंगे उस बाग से में। एक बार दिन में आएंगे, दिन में देखेंगे, फिर जाएंगे उस बाग में, और कोशिश करेंगे कि मामा को लेके आए, क्योंकि मामा यहाँ बचपन से रह रहे हैं तो उनको ज्यादा पता है, या फिर उनसे पूछ के आएंगे। तो और ना तो भाई ये बस कभी कभी आना, और ज्यादा तो मामा ही बता पाएंगे। और हम तो जब से आए ना काम में लगे पड़े हैं और थक गए हैं, बस ये था कि वीडियो बनानी है तो इसलिए आ गए। वैसे भी दिल्ली में हॉन्टेड नहीं बना पा रहे आजकल, क्योंकि दिल्ली में तो चल रहे हैं पंगे, तो मैं कहा चल भाई हरियाणा में चलते हैं, वहाँ बनाते हैं हॉन्टेड वीडियो। तो इस सिरसा गांव में घूम रहे हैं, और ये रेल की पटरियाँ गई हैं, ट्रेन कितनी दूर है यहाँ से?
बहुत दूर है, कम से कम 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर दूर के दूर से गई हो ट्रेन की पटरियाँ, बट वहाँ उसकी आवाज यहाँ तक आ रही है। बाकी हम घूमते हैं थोड़ा इस खेत में, थोड़ा समय समय बताते हैं, फिर देखते हैं हमें कुछ हॉन्टेड मिलता है या नहीं। तो ये वो खेत से है, तो भाई खेत से मैं चल रहे हैं और देखते हैं कुछ मिलता है क्या हॉन्टेड सा कुछ। कैसी आवाज़ सिंह थी, कैसी आवाज़ है? ऐसी है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, अपना बैग बुक धरा हूँ वहीं से ले कर रहा। बैग में वैसे कुछ है नहीं। तो यार उस तरफ जो दिख रहा है अंकित, वो क्या जिस तरह वो लाइट दिख रही है? इधर शादी शुदी चल रही है। शादी वादी है? अच्छा, तो शादी वादी चल रही है। और यार यहाँ पे ना रास्ते नहीं पता हमें, और ये हर तरफ खेत ही खेत हैं। एक छोटा सा रूम बना पड़ा अंकित वहाँ पे किसी का, ट्यूबवेल है क्या? ट्यूबवेल ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। और ये धान, ये गेहूँ के खेत है ना? गेहूँ है ना ये? ये गेहूँ है। और अजीब सा कुछ है वो, ये गाजर के पेड़ है ना अंकित? पता नहीं यार, ये गाजर के पेड़ लग रहे हैं मुझे जहाँ तक, मेरे को नॉलेज है थोड़ी बहुत, ये गाजर के लग रहे हैं, ये गाजर के ही हैं। और ये है शायद मटर है ये, हाँ ये मटर है, ये तो मटर है। तो ये है गाजर, इसमें से गाजर ना जिनको नहीं पता हो, गाजर ना नीचे नीचे होती है नीचे। तो चलो अब चल रहे हैं, आ यार चलोंगी चलोंगी चल, किसी कैसे नहीं के बाद भाई वापसी चल ले एक बार। अजीब सा ही माहौल है भाई, पता नहीं कहाँ से किसी के हंसने की आवाज़ आई थी। ये ट्रेन तो चल रही है काफ़ी दूर, उसके बाद सो आ रही, पर किसी के हंसने की आवाज़ थी। जब 3-4 बंदे हंस रहे हो क्या था भाई? मुझे तू चल भाई, हम यहाँ से भाई कुछ गया भाई। अरे नू ही होगा, कुछ जानवर सा होगा कि था, यहीं से कहीं से गया ना? अरे जानवर ही होगा, देख लियो तो साफ सूफ पड़ रहा हो, नीचे तो कुछ ना है। तो यार ये देखो पूरा खाली खाली है पूरा, ये भाई ज्यादा अंदर दाना सेफ नहीं है। सेफ भी ना, ओए उनके मन नु लागे उड़ा तो कुछ जा रहा है। ओ तेरी सच में देख, वो जो पेड़ सा नहीं है, वो पेड़ के पास ना कोई लग रहा था कोई जा रहा है। चलें? नहीं नहीं रहने दे। ओ जो गाने चल रहे हैं भाई, क्योंकि शादी है ना, ये सलाह हमारे घर पे चल रहे हैं ये यहां भाई, आज कुछ ज्यादा ही शादी है। ओ यो गाने की अपने घर पे चल रहे हैं कि चल रहे हैं ये जगह-जगह शादी है तो। अरे जैसे ना एक मैं चीज बताना चाहूंगा, अच्छी बात पता क्या कि जैसे हमारे दिल्ली में होता है ना कि 10 बज गए तो गाने डीजे बंद करा देते हैं ना, पर यहाँ पता क्या कितने तक चलते हैं गाने? यहाँ तो बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो, चल रही जब तक गाने, गाने चलेंगे। और भाई लास्ट बार क्या हुआ था कि डीजे वाला भग गया था लास्ट बार, जब बहन की शादी थी ना, जब बहन की थी, और डीजे वाला भग गया था, फिर भाई वाला भग गया, भाई डीजे वाला भग गया, फिर बुलेट निकाली और बुलेट के पटाखे में डांस हो रहे थे। तो भाई यहाँ की शादी मैंने लास्ट बार आया था तो मैं कहा ये वाली मिस नहीं करनी, तो मैं इस वाले में आ गया। और फिर ये जगह भी हमने वो करनी दिखानी थी एक बार, तो अब ये जगह तो अभी तक तो कुछ नहीं दिखा, बट एक अजीब सा चीज ना यहाँ से कुछ भग के गया, यहाँ से कुछ गया था वो अजीब सा था। और उस पेड़ के पास ना जैसे मुझे लगा कि दो लोग पता नहीं जैसे कुछ परछाई थी दो लोगों की, वो गई थी। बाकी इसका वीडियो ना हम इसका जो पार्ट है, जब शादी हो जाएगी ना बहन की, उसके बाद बनाएंगे, क्योंकि जब बिल्कुल हम फ्री हो जाएंगे तब हम एक बार सुबह आके ना वहाँ देख लेंगे कि वहाँ पे कैसे जाना है। तू भी नहीं आया दिन में कभी उधर की तरफ? दिन में मैं कभी नहीं आया, वो तो आज तूने बस भाई ने थोड़ी जिद कर दी मेरे को, इसलिए आना पड़ेगा, वरना मैं तो आता ही नहीं इस तरह। अरे वैसे इधर डरा रहा है, डर नहीं रहा सर, तो डरा क्यों रहा था, वीडियो खत्म कर दूँ। भाई ये सच बताओ, ये इंसान डरता नहीं है, ये बेफालतू में डर के दिखा रहा है। तो अगले वीडियो आएगी ना उनकी, तो वहाँ तक जाना, उसके लिए उसमें क्या नाम है भाई, चलेंगे चलेंगे उसमें चलेंगे। कल है बहन की शादी निपटा लें, उसके बाद फ्री होते हैं। अगले दिन तो हम सोते रहेंगे, उससे अगले दिन हम आएंगे उस चलेंगे उस बाग में। तो ये वीडियो यार बस एक छोटा सा ट्रेलर था यहाँ का दिखाने के लिए कि यहाँ का मतलब हम आए हुए हरियाणा में। तो अब ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना अंकित? बाय बाय कर। ओबे अंकित नू लग गई, बाय करना था वहाँ थे ना, दो ऊपर साइसी जा रही हो, बड़ा कुछ तो है अंकित यहाँ पे। हाँ भाई मैं तेरे को पहले बता रहा हूँ, यहाँ ऐसे ही चलता रहता, यहाँ पे कुछ ना भाई सच बताऊँ, यहाँ पे ना अगर हम बाय करने से पहले ना मैं दिखाऊँ उस तरफ से ना, अभी जैसे ना दो इंसान नहीं, दो परछाइयाँ सी गई हूँ। और वैसे मामा ने क्या रखा था, यहाँ बहुत डांस करते हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे भाई पूरे दिन बस यही चलता रहा था, पूरी रात आवाज़ और इसके पीछे का सीन क्या है कि क्यों चलता है ना, उसके पीछे का जो सीन ना आपको मैं बताऊंगा कि ये बाघ किसका था, क्या हुआ था, वो सब कुछ बताएंगे हम आपको। पूरा जो खेत में खड़े हैं ना, इसके पीछे की भी एक लड़ाई सी है, तो ये सब आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंकित यहाँ से निकलते हैं,
और फिर मामा से पूछते सब कुछ, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो छोटी सी बनी है, बस एक ट्रेलर था क्योंकि आए हुए थे तो थोड़ा बिजी थे, दिल्ली में वैसे दंगे चल रहे हैं तो दिल्ली में वीडियो बना नहीं रहे हैं। तो मिलते हैं हम सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब कर देना जरूर करना, ठीक है।